नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं खबर दोपहर की ओर। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, जहां ओबीसी को साधने के लिए या साफ शब्दों में कहे पिछड़ों को साधने के लिए हर एक पार्टी अपनी अपनी कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान तैयार किया है, जहां दिसंबर में महाकुंभ के साथ ही बीजेपी ओबीसी को साधेगी और इसका नाम रखा गया है ओबीसी कुंभ। तो वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो पीडीए की राह पर समाजवादी पार्टी निकल पड़ी है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की राह पर समाजवादी पार्टी निकली है। लेकिन अगर हम बीते कुछ चुनावी नतीजों पर गौर करें तो जिस पिछड़ों का बीड़ा उठाए इस वक्त समाजवादी पार्टी घूम रही है, जिस ओबीसी की बात लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है, वो कभी भी उनका परंपरागत वोट बैंक रहा ही नहीं है। ऐसे में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करती हुई समाजवादी पार्टी अब पीडीए पर काम करना शुरू कर चुकी है। हर एक रैलियों के जरिए अखिलेश यादव पीडीए का जिक्र करते हैं और साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे को भी अखिलेश यादव मुखर होकर हर एक रैलियों में, हर एक संबोधनों में उठाते भी हैं। ऐसे में जातीय जनगणना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई एक बड़ा मुश्किल खड़ा कर सकता है क्या? क्या ये जातीय जनगणना का मुद्दा बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है या गले की फांस बनता जा रहा है? अब उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ों, दलितों और ओबीसी को साधने में लगी है, क्या ये जातीय जनगणना की एक काट है? तो लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारी तो शुरू हो चुकी है। प्रदेश में बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अपने नए नारे के साथ चुनावी ताल को ठोक दिया है। सपा ने इसके जरिए अपने परंपरागत वोट बैंक को और भी मजबूती देने का काम किया है। इसके अलावा इस दिशा में समाजवादी पार्टी का एक और कदम महत्वपूर्ण है और जिससे बीजेपी की कहा जा रहा है कि नींद उड़ गई है, वो है जातीय जनगणना का मुद्दा। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इससे निपटने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विपक्ष की जातीय जनगणना के वार की काट को तलाशने में जुट गई है और क्या प्रयागराज यानी कि संगम नगरी में ओबीसी महाकुंभ का प्लान जातीय जनगणना की काट होगा? ये पीडीए की काट आखिर बीजेपी के पास क्या है और क्या ये पीडीए का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है क्या? आज इन सभी मुद्दों पर बड़ी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से नेता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, वही समाजवादी पार्टी का पक्ष तारिक खान रखेंगे। बतौर राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संतोष जी से करते हुए, संतोष जी देखिए, समाजवादी पार्टी जो कि यूपी में आपकी एक मुख्य प्रतिद्वंदी है और अब अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो वो पीडीए के साथ ही जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार आप पर हमलावर है। हर एक रैलियों में वो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में ये जो यूपी में आपका ओबीसी महाकुंभ का प्लान है, क्या ये इस प्लान की, क्या ये पीडीए की काट माना जाए? संतोष जी देखिए, पहले चीज तो बड़ा स्पष्ट एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी हो, अथवा पिछड़ा हो, चाहे सामान्य की बात हो, चाहे किसी भी चीज, किसी जाति, धर्म, मत, मजहब को लेकर के ना कभी राजनीति की है ना राजनीति करेगी कभी। हाँ, उनका हक और अधिकार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और हमेशा से लड़ती आई है और यही वजह है कि आज आजादी के बाद आपको दिख भी रहा होगा कि ओबीसी के जो वोटर जो कहे जा रहे हैं पिछड़े, दलित, सोती, हम लोगों ने उनके लिए काम किया है और काम किया है इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, पहली चीज। और वो उनका हक है और अधिकार है और देना भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं बड़ा स्पष्ट एक चीज कहूंगा कि जो लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जो लोग इसको राजनीतिक जामा पहनाने के चक्कर में है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है, हमारे लिए एक ना कोई मुद्दा है। हम किसी को उनका हक और अधिकार दिला रहे हैं तो हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिनको कहना है, जिनको बोलना है, उनके लिए वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और हम लोग आजादी के बाद 75 वर्ष बीत गए हैं, 75 वर्ष से लेकर के अभी तक तमाम सरकारें आई गई, किसी ने इनके हक हकूक की बात नहीं की, सबने उनका वोट लिया, उनका शोषण किया, उनके लिए किया कुछ नहीं। मैं एक शब्द में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज में जो ओबीसी का महाकुंभ होने जा रहा है, हम एक संदेश देने का काम करेंगे, वहां से उन लोगों को एक संदेश देने का काम करेंगे कि हमारी सरकार आपके लिए थी, है और हमेशा आपके लिए काम करती आएगी। हमारे लिए कोई राजनीतिक ना प्लेटफॉर्म है ना राजनीतिक कोई मुद्दा है, हम उनके लिए काम करते हैं, उनको हम जागृत करते हैं, उनका हक हकूक के लिए लड़ते हैं और हक हकूक की उनकी बात करते हैं, तो हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिसको जो कहना है कहे, हम लोगों को उनके कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है तारिक खान जी, देखिए साफ तौर पर संतोष जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो ओबीसी महाकुंभ है ये बस ओबीसी की जो जनता है उनको ये समझाने का प्रयास है कि बीजेपी उनके पक्ष में खड़ी हुई है, बीजेपी ने ओबीसी के लिए काम किया है। लेकिन जिस राह पर आप निकले हैं पीडीए, अगर उसमें हम दलित और ओबीसी का जिक्र करें तो ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा रहा है, यानी कि अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो ये बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। क्या सेंध लगाना इतना आसान होगा क्या? की जहां तक बात है तो जो समाजवादी पार्टी की मुख्य मांग है वो चाहती है जनता की मांग, इसके तारिक जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि प्लीज तारिक जी का ऑडियो ठीक करवाया जाए। ठीक है तारिक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल तारिक जी बताइए, अपना पक्ष रखिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, भाजपा पार्लियामेंट में कहती है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, जनसभाओं में अमित शाह कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं। ये डबल स्टैंड है, या तो आप जातिगत जनगणना कराने के समर्थक है या नहीं है। फिर उसके बाद आता ये है कि आप जो 17 जातियां हैं जिनको योगी जी भी दिल्ली भेज चुके हैं कि इनको एससी में समायोजित कर दिया जाए, ओबीसी की 17 जातियां हैं उत्तर प्रदेश, उसका अधिकार समायोजित करने का केंद्र सरकार के पास है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर सकती। आप उसको भी ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं क्योंकि दोनों जगह डबल इंजन लगा हुआ है, जिसको ये दिन रात चिल्लाते हैं कि बड़ा ताकतवर इंजन है, और मैं कहता हूँ ये बेकार फिसड्डी इंजन, इस इंजन में कोई दम नहीं है, इसमें 2 या 15 इंजन लगा दीजिए अगर आप, तो भी ये इंजन बेकार है। आप लगातार इंजन मांगते जा रहे हैं, निकाय जिता दो, वो इंजन लगा दो, ये इंजन लगा दो, किस काम का वो इंजन भाई, जब दौड़ा ही नहीं पा रहा है पटरी पर गाड़ियों को, तो कैसा इंजन। अच्छा फिर आप आ जाइए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ, जब बैकवर्ड की बात होती है आप कहते हैं कि हमारी बिरादरी से, जिस बिरादरी से हमारी पार्टी के नेता आते हैं वो ओबीसी का हक मानते हैं। रोहिणी आयोग क्या कहता है कि जो सब डिवीजन है ओबीसी जातियों का वो कर दिया जाए। 14 बार आपने एक्सटेंशन दिया, 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया, कहां गई वो रिपोर्ट, क्यों नहीं उसको लागू कर देते। ये भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंड है, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं बैकवर्ड हूं, कभी बैकवर्ड बन जाते हैं कभी फॉरवर्ड बन जाते हैं, कभी क्या उनका पता ही नहीं है कि वो है क्या। वैसे फिर भी मैं ये कह रहा हूं सीधी सी बात कि आपने जो बैकवर्ड से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पे जीरो कंसंट्रेशन, उनका वोट भरपूर लिया है, मगर हम उनको बता रहे, आपने स्टैंड क्लियर कर दिया जातिगत जनगणना मेन मुद्दा है, क्यों, क्योंकि पॉलिसी फ्रेमिंग में जब हम पॉलिसी बनाएंगे कि बैकवर्ड की स्थिति क्या है, फिर समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे कि इन्होंने एक जाति के लिए, जैसे योगी जी ने विधानसभा में ही खड़े होकर कह दिया कि इतने यादवों को आपने भर्ती दी, भाई जातिगत जनगणना करा लीजिए, स्थिति पता चल जाएगी किसकी क्या है, उसके हिसाब से रोहिणी आयोग को एडजस्ट कर लीजिए, या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ के पास न जाने कब से पड़ी हुई है, उसके हिसाब से सिफारिश मान लीजिए। हम कह रहे हैं कि कोटों का वर्गीकरण कर दीजिए, आप मान ही नहीं रहे, उसके बाद ये आरोप लगाना सरासर गलत है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब जातिगत जनगणना होगी तो ये पता चल जाएगा कि किसकी क्या स्थिति है, और उस क्योंकि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट सिफारिश लागू हुई थी तब भी उसमें यह बात कही गई थी कि 20 साल के बाद इसको रिवाइज किया जाएगा, मंडल कमीशन में 40 सिफारिशें थी, 2 मानी गई थी, 38 किनारे रखी, तो अब ये हो रहा है कि वो वक्त पूरा हो गया, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रिवाइज करिए और जो करंट स्थिति है ओबीसी की वो जान लीजिए, उनकी जनगणना कराइए, जान लीजिए कि कौन कितना है, उस हिसाब से उनको आरक्षण की नई व्यवस्था बनाइए, कौन कह रहा है कि न बनाइए, लेकिन आपको उनसे नारे लगवाने, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाना है और नारे लगवाने हैं पीछे खड़े होकर, और फॉरवर्ड नेताओं के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो अपना लड़के को विदेश में पढ़ाएंगे, अपने को मंत्री बनाएंगे, ठीक है, और बाकी लोगों से नारे लगवाएंगे, लेकिन उनके हक की जब बात करेंगे तो उस पर वन वर्ल्ड जवाब नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। जातिगत जनगणना पे आपका नो है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आपने किनारे फेंक दी है, 17 जातियों का समायोजन का अधिकार केंद्र सरकार, इन तीनों बातों का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा प्रवक्ता, बड़ा नेता सीधा जवाब नहीं देता कि
हम इसके ऊपर में हमारा करंट स्टेटस क्या है, जो कि बैकवर्ड जो कि 55-60% है बिहार में जो जनगणना हुई उसको अगर पूरे भारत में आप फैला दीजिए तो वो 55-60% है उनके बारे में बता दीजिए कि आपका क्या, और आपने बता दिया है कि आप जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। बिल्कुल ठीक है, तमाम इनके आरोपों पर मैं रुक करूंगी बीजेपी के प्रवक्ता का, लेकिन एक ओपनिंग रिमार्क दिलीप यशवर्धन जिसे लेना बहुत जरूरी है। देखिए दिलीप जी, अब ये जो चुनाव है, हर एक चुनाव जातीय और धर्म के मुद्दे के इर्द गिर्द आज भी घूमता हुआ नजर आता है, जैसे कि पीडीए, जातिगत जनगणना, लेकिन जिस ओबीसी और दलितों की हम बात कर रहे हैं ये एक समय में मायावती का एक कोर वोट बैंक माना जाता था, फिलहाल अब ये शिफ्ट होकर बीजेपी के पाले में चला गया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ये पीडीए की राह पर निकले हैं और अब बीजेपी ने इसका काट भी ढूंढ लिया है, ओबीसी महाकुंभ, क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान हो गया क्या कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना? मुस्कान जी, वोट बैंक में सेंध लगाने की प्रक्रिया ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार चला करती है, और इस देश में कोई भी एक ऐसी जाति नहीं है जो किसी एक पार्टी का कोर वोट बैंक कहा जाए कि ये पार्टी, ये जाति सिर्फ किसी पार्टी को वोट देती है। ऐसा नहीं है कि यादव समाजवादी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देते हैं या भाजपा को नहीं देते हैं या कांग्रेस को नहीं देते हैं या जो ठाकुर और पंडित जो भाजपा के कोर वोटर कहे जाते हैं वो समाजवादी में नहीं है वहां वोट नहीं देते हैं या बसपा में वोट नहीं देते, बसपा तो चलाते ही पंडित जी थे तो पंडित जी के लोगों का वोट वहां जाता ही था। ये जो जातिगत समीकरण है ये सिर्फ राजनीति का एक माध्यम है और हर राजनीतिक पार्टियों के लिए है, चाहे जातिगत जनगणना हो चाहे रिजर्वेशन हो, इससे बड़े चंद लोगों का भला होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भला नहीं होता है, बहुत चंद लोगों का होता है, और उन चंद लोगों का अगर आप रेशियो निकाल लीजिए तो 0.0% में जाएगा इस पूरे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से। और जातीय जनगणना करा करके जो राजनीतिक पार्टियां उन लोगों का भला करने का दावा ठोक रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार ने कराया है, चाहे कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार करने की बात कर रही है, राजीव राहुल गांधी हर चुनाव में 5 राज्यों में कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, या भाजपा ओबीसी सम्मेलन करा ले रही है। आप जातिगत जनगणना कराते हैं, जातिगत रिजर्वेशन देने की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि पिछड़े हैं। पिछड़े की परिभाषा क्या है इस बात पर कोई राजनीतिक पार्टी प्रकाश नहीं डालती है। यहाँ जो दो प्रवक्ता बैठे मैं उनसे भी पूछूंगा कि भाई पिछड़े की परिभाषा क्या है, राजनीतिक परिभाषा मत बताइएगा, वास्तविक परिभाषा क्या है। जो संविधान कहता है वो कहता है कि जो एजुकेशनली पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको पिछड़ा कहा जाएगा। आप उस बात पर तो ध्यान ही नहीं देते, आप जातियों के पीछे पड़ जाते हैं कि ये जाति का व्यक्ति है तो ये पिछड़े में जाएगा। अब वो भले ही हर तरीके से संपन्न क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि सारी जातियों के 100% लोग जो है वो हर तरीके से पिछड़े हुए हैं, लेकिन जो पिछड़े से संपन्न हो चुका है उसको भी आप ओबीसी ही कहते हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वो जाति के रूप से पिछड़ा ही कहलाता है। तो जब जातिगत चीजों को आधार मान के आप पिछड़ा और अगड़ा करेंगे तो इस देश में ये हमेशा राजनीति बनी रहेगी, चंद लोगों का भला होगा और ये राजनीतिक मुद्दा हमेशा बना रहेगा, इसके अलावा इस मुद्दों का और कोई सार्थक अर्थ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। देखिए तारिक खान जी, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को परिभाषा शायद सच में समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आप लोग जाति के नाम पर पिछड़ों में बांट रहे हैं। आप सामाजिक तौर पर जो कमजोर है उनको पिछड़े में डालिए, जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनको पिछड़े में डालिए, कि कब तक जाति जाति का मुद्दा चलेगा? हमने कब रोका है? गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट को ये सुझाव सही लग रहा है और ठीक बात है, गवर्नमेंट इस पे काम करे, ईडब्ल्यूएस बनाया गया है, लेकिन फिर भी अगर उनके मानक चेंज करने तो इसका इनिशिएटिव विपक्ष लेगा क्या? हम लेके आएंगे प्राविधान, हम कैबिनेट में मंजूरी देंगे, सरकार करेगी। सरकार को इस चीज पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। उनके लिए इस बात की जो डेफिनेशन है कि बैकवर्ड कौन है उसको चेंज कराएं, ये तो गवर्नमेंट करेगी, हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट करे इस चीज को चेंज। लेकिन जो लोग वीक हैं उनको डिफाइन ऐसे किया गया था कि एससी वो लोग हैं जिनको अनटचेबल माना गया, वो जो डिफाइन हुआ था संविधान के टाइम पर, जो मेरी जानकारी है, शायद दिलीप साहब उसको और करेक्ट करेंगे, जब ये 1931 में ये जातियों का सर्वे हुआ था साइमन कमीशन के बाद, 1930s की बात है ये, तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया था कि एससी वो लोग हैं, उसके बाद
इन बैकवर्ड्स को तमाम तरीके से कैटेगराइज किया गया अलग अलग टाइम पे अलग अलग सरकारों में। अब अगर उसको ये देखा जाता है कि जो इसको कैटेगराइज ना कि उनकी, क्योंकि ओबीसी में 3000 के ऊपर 3368 जातियां हैं ओबीसी में जिनकी, जिनको रखा गया है, तो अब अगर उनको उनका मानक बदलना है कि उनको ये जातियां नहीं, जैसे जो लोग लोहार का काम करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, ये कब गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, कब अगर इस तरीके की कोई प्रस्ताव आएगा, तो समाजवादी पार्टी का भी उस पर कोई स्टैंड ही नहीं है। हमारा तो सीधा स्टैंड ये है कि जो ओबीसी का तबका बना हुआ है उसकी फिर से गिनती हो जानी चाहिए, ताकि सबको पता चल जाए कि उनकी स्थिति क्या है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल, सारी स्थिति। सिर्फ ओबीसी पर ही फोकस क्यों है ना, फिर आप हर एक तबके की स्थिति की बात करिए ना। जातिगत जनगणना में, जातिगत जनगणना जब होगी मैम, सेंसस जब होता है, जब सेंसस होता है तो तमाम सवाल पूछे जाते हैं घर जाकर। बिल्कुल पूछे जाते हैं सेंसस में। मैम सुनिए, जब सेंसस होता है तो उसमें कई सवाल है, आपके घर में कोई बीमारी है या नहीं है, आपको मधुमेह है या नहीं है, तमाम एक पूरा फॉर्मेट है, 100 क्वेश्चंस हैं, उसी में जाति भी है। जब हम ये कहते हैं कि जब आप अभी तक सेंसस नहीं हुआ, 2011 से इन्होंने नहीं करा, वजह जो भी हो सरकार उसके पीछे, जब आप सेंसस कराएं तो उसमें जातियों का भी आप समायोजन करें, ये भी आप समझिए, क्योंकि सेंसस कराने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कराना है। जो बिहार में हो रहा है वो भी जातिगत जनगणना नहीं है, सर्वे, उसको सर्वे का नाम दिया गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है। आप उसको कराइए, आप उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए कि आप जब क्वेश्चनियर लेके जाएंगे घर घर, तो आप उनसे ये भी पूछिए आपकी जाति क्या है, ताकि ये पता चल सके कि जो आरक्षण दिया गया था उसका कितना प्रभाव पड़ा। जब हम एक सीट एससी के लिए आरक्षित करते हैं लोकसभा या विधानसभा में, और उसका पुनर्विचार 20 साल के बाद होता है, 25 साल के बाद, तो ये देखा जाता है कि आरक्षित सीटों पर एससी का कितना डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही जनरल आरक्षण में भी यही देखा जाना चाहिए। जब जातिगत जनगणना होगी और उनके उस सेंसस में सारे डेटा आएंगे, तो ये पता चलेगा कि उनकी शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति, और कई क्वेश्चन है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका, और काफी तथ्यपूर्ण और ज्ञान पूर्वक बातें करते हैं, लेकिन आज इन्होंने दो तीन बातें गलत कही हैं। पहली बात तो, जब 1947 में भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ था, तो अनटचेबिलिटी एक्ट ला करके वो चीज खत्म कर दी गई थी, जिसका जिक्र इन्होंने कहा कि एससी इस बेसिस पर बनाया गया था, वो आजादी से पहले की बात है, 47 के पहले था, 47 के बाद वो एक्ट ही खत्म हो गया था, तो वो बात ही खत्म हो गई कानूनी रूप से। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये काम सरकार करे, आप भी तो सरकार में रहे हैं, आपने कभी किया क्या? या विपक्ष के रहने नाते अगर ये बात सही है, तथ्यात्मक है, तो आपने इस मुद्दे को उठाया क्या? आपका काम नहीं है कि आप समाज में सही चीजों को उठाएं? सरकार करेगी, मैं मानता हूं करेगी सरकार, लेकिन विपक्ष के नाते आपको इस बात को उठाना तो चाहिए ना, आप भी तो नहीं उठाते हैं, आप भी तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आप जातिगत सर्वे की बात करते हैं, आप ये भी कह रहे थे 17 जातियों को यहां शामिल किया जाए, तो कुल मिलाकर के राजनीति आपको भी करनी है, राजनीति भाजपा को भी करनी है, कांग्रेस को भी करनी है, सभी पार्टियों को करनी है, लेकिन राजनीति करने में आप इतने व्यस्त हो गए हैं, हर राजनीतिक पार्टी व्यस्त हो गई है, कि वास्तव में संविधान के सोशल प्रिंसिपल्स क्या थे, या उनका आधार क्या था, या रिजर्वेशन को ओरिजिनली किस लिए लाया गया था, क्या उद्देश्य था इसका, वो उद्देश्य कहीं खो गया है। हर चीजें अच्छी हैं, लेकिन अपने उद्देश्य से भटक जाने के बाद कोई भी चीज अच्छी नहीं रह जाती, इवन दवाई भी अगर आप गलत तरीके से खा लेंगे तो वो भी रिएक्ट कर जाएगी। तो यही चीजें अब सामाजिक, जो रिजर्वेशन है, जो जाति की चीजें, यही हो रहा है, आप समाज में रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन का फायदा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को हो रहा है, और समाज इनकी भावनाओं में बह करके उसी दिशा में बढ़ता चला जा रहा है जिस दिशा में ये ले जाना चाहते हैं। लेकिन दिलीप जी, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबका खामियाजा जो मिडिल क्लास है ना, उनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो हालात है ना, वो कहीं ना कहीं अब बदतर हो गए हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। देखिए, बीजेपी के नेता से एक रिमार्क लेना बहुत जरूरी है। देखिए संतोष जी, वो तो लगातार कह रहे हैं कि ना तो आपने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, और अगर वाकई में आपको इतनी चिंता है पिछड़ों की, तो आप ये जो जनगणना है इसका नया आधार बनाइए, शैक्षणिक आधार पर आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट करिए कि आखिर वाकई में वो समाज में स्टैंड कहां करते हैं।
अभी इसके पहले जो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे थे, बड़ी अच्छी एक दो लाइन बोले हैं, मैं उनको कोट करना चाहूंगा। एक तो वो बोले कि पिछड़ों की परिभाषा क्या होती, पिछड़ों की परिभाषा मायावती जी से और मुलायम सिंह से अच्छा तो कोई जानता नहीं, अखिलेश जी से अच्छा तो कोई जानता नहीं था। अगर इतने बड़े शुभचिंतक थे तो जितनी बातें, जितना भाषण अभी दिया है उन्होंने, ये सारा चीज खुद इम्प्लीमेंट करा लिए होते। और दूसरी चीज सही बात है कि पिछड़ों को अगर हमने शिक्षित किया है, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था किया, उनकी आवास की व्यवस्था किया, फिर बिजली पानी की व्यवस्था किया, अगर हम लोगों ने पिछड़ों को पिछड़े लोगों के लिए किया है, तब वो लोग पिछले 10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे 14 का चुनाव रहा हो, चाहे 19 का चुनाव रहा हो, चाहे 22 का चुनाव रहा हो, चाहे आने वाला 24 का चुनाव हो, वो हम लोगों से जुड़े हैं। क्योंकि हम लोग, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पढ़ी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे किसी की बात का जवाब देना है, और बात उसके जवाब का दिया जाता है जो इसके पूर्व में जो सत्ता में रहे, कुर्सी पर बैठे, उन लोगों ने आज तक कुछ किया नहीं, और आज हमसे हिसाब किताब मांग रहे हैं। हमसे हिसाब किताब मांगने वाले से सिर्फ मैं ये कहूंगा कि अगर पिछड़ी जाति, पिछड़ी समाज के लोग, अति पिछड़े लोग, शोषित लोग, वंचित लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं पिछले 10 साल से, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के लिए काम किया, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट रही हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट रही हो। और दूसरी चीज मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी हमारे समाजवादी के तारिक भाई जो बात बोल रहे थे कि सरकार को करानी चाहिए जनगणना, सरकार को करानी चाहिए तो सरकार अपने सब कुछ करेगी, आप चिंता मत करिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंटें करेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। समय आएगा तो जातीय जनगणना भी होगी, आवश्यकता पड़ेगी तो सारी वो चीजें होंगी। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि आरोप लगाने से पहले पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आप सत्ता में 2 बार 3 बार बैठे हैं, आप भी रहे हैं, और तथाकथित वह लोग भी जो सामाजिक सामाजिक समीकरण की बात करते हैं। हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि हम लोगों की बात तो करते हैं, अब बहुत अच्छी बात कही आपने, अभी उनसे प्रश्न किया कि सामान्य वर्ग के लोगों में नहीं है क्या गरीब लोग, सामान्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, हम लोगों को सामान्य की भी चिंता है कि अगर 10% हम लोग ने रिजर्वेशन उनको दिया है तो कहीं ना कहीं सोच रही है कि हाँ सामान्य वर्ग में भी कुछ लोग हैं जिनको जरूरत है। अब बाकी जिनको जो बोलना है कहना, तो मेरा एक कहना है कि हम पिछले 2014 से लेकर के 2023 चलने जा रहा है, चाहे 27 का चुनाव रहा, चाहे वो 22 का चुनाव रहा हो, चाहे 17 का चुनाव रहा हो, चाहे 19 का हो, चाहे 14 का हो, हमने कहीं ना कहीं सोचित वंचित पिछड़े अति दलित लोगों के लिए काम किया है, इसके लिए वो लोग जुड़े हैं। और ये हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारे पार्टी का, हमारे पार्टी की सोच और विचारधारा भी आप जानती हैं और वो लोग भी जानते हैं कि हम लोग समाज के अंतिम वर्ग तक जब तक वो हर सुविधा ना दे दे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है, और हम उसी पे काम कर रहे हैं। हम किसी के टीका टिप्पणी से, किसी के बहकावे में, किसी के आरोप प्रत्यारोप से भागने वाले नहीं है, ताकि इसको जो बोलना, जो सवाल करना हो करें। बिल्कुल तारिक खान जी, देखिए उल्टा आप ही पर ये तमाम आरोप लग गए कि अगर वाकई आप जातीय जनगणना के इतने पक्ष में है तो आप जो जनगणना की रिपोर्ट आएगी उसका आधार एक शैक्षणिक आधार बनाइए, स्वास्थ्य आधार बनाइए, लेकिन आप भी लगातार आपकी पार्टी की तरफ से यही कहा जाता है कि जाति पहले सामने आएगी तब उसके बाद आरक्षण का सोचा जाएगा, उसके बाद हम मांग उठाएंगे। क्यों अब जो आरक्षण है उसको लेकर के एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वो दौर अलग था जब वाकई हमें आरक्षण की जातियों के आधार पर जरूरत थी, लेकिन आज की स्थितियां अलग है, समाज अलग है, अभी भी जातियों के आधार पर आरक्षण कैसी मांगे ये तारिक जी? मैम दिलीप जी ने कही वो बात सही है, मैं वो एक्सपर्ट है, मैं उनकी बात पर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि भाई ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी आपको आईना दिखाने का, और ऐसे लोगों से समझना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। ये नहीं है कि हम उनसे लड़े और उनकी हर बातों का जवाब दें, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ठीक बात कही है कि इसका मानक नहीं। लेकिन मैम एक बात बताइए, टीसीएस के एग्जाम में अंग्रेजी अनिवार्य, नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उस चीज को खत्म किया जब वो मुख्यमंत्री थे। इस चीज से सिर्फ क्या बैकवर्डों को फायदा मिला है? जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में सिविल सर्विसेज की तैयारी, जबकि इसका विरोध बहुत हुआ जब नेताजी ने यह फैसला लिया कि इंग्लिश की अनिवार्यता को उन्होंने समाप्त किया, लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि आप कंप्यूटर और अंग्रेजी के खिलाफ हैं। नेताजी के इस फैसले से क्या सिर्फ मैं बैकवर्ड को मतलब क्या था कि सिर्फ ओबीसी को फायदा मिला? नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने लोग रहते थे, मैं मानता हूं वो सब बैकवर्ड, इस डेफिनेशन को मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो सब बैकवर्ड। और अगर उनको मूल धूप धारा में लाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तो हमने कब नहीं उठाए? 17 जातियों को 2005 में ही मुलायम सिंह यादव ने भेज दिया था दिल्ली, नहीं किया। लेकिन यहां फर्क है मैम, वहां कांग्रेस की सरकार थी, हम समर्थक थे, हाँ वो मेरी बात, हमारी बात नहीं माने, बहुत सी बात नहीं माने, महिला आरक्षण बिल की भी बात नहीं माने नेताजी की। लेकिन यहां पर मैम फर्क क्या है
यहाँ पर दोनों सरकारें सेम है, गठबंधन की सरकार नहीं है कि यहाँ समाजवादी है, यहाँ ऊपर नीचे दोनों भाजपा है, आपके सामने कौन सी मजबूरी हो सकती है। महिला आरक्षण बिल लेके आते हैं, बताते हैं 2050 में लागू होगा, किसी को नहीं पता कब लागू होगा। मैम ये इनको पूरी तरीके से जो हिंदुस्तान की आधी आबादी है उसको एक तरीके से गलत पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। कब जनगणना होगी, कब सेंसस होगा, कब नया परिसीमन होगा, कब लागू होगा, आज नहीं हो सकता था क्या? नेताजी कहते थे कि अगर सरकार करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है, विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कहां गई वो इच्छा शक्ति? है करने की इनकी सरकार में, सवाल सारे हम ही से हैं। लेकिन मैम इस चीज के बारे में इनको जरूर सोचना चाहिए, इनकी सरकारों को, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो देखिए सपा के पीडीए का क्या बीजेपी ने तोड़ निकाल लिया है, और ओबीसी पर बीते दिनों प्रदेश कार्यालय पर एक बड़ी बैठक हुई दलितों को साधने के लिए। बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया और अब संगम नगरी में बीजेपी का ओबीसी महाकुंभ जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसमें सांसदों और विधायकों को भीड़ जुटाने का लक्ष्य भी दे दिया गया है। लेकिन जातिगत जनगणना क्या बीजेपी के लिए अभी भी एक मुश्किल बनेगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हमलावर है, अब क्या बीजेपी इन सभी सम्मेलनों के जरिए समाजवादी पार्टी के उस प्लान की काट ढूंढ रही है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सम्मेलन के जरिए जातिगत जनगणना के समाजवादी पार्टी के प्लान पर पानी फेर पाएगी क्या? ये तमाम बड़े ऐसे सवाल है जिस पर फिलहाल जवाब मिलना बाकी है। लेकिन अब लगातार यही कहा जा रहा है कि परंपरागत जो वोटर एक समय पे मायावती के कहे जाते थे दलित और ओबीसी, अब वो खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। ज्यादातर वोटर्स अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देते नजर आए हैं और लगातार नतीजे इस बात को और पुख्ता करते हैं। लेकिन अब पीडीए की राह पर भी समाजवादी पार्टी निकल चुकी है और इसके साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के दलित और ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी मारने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें कितनी सफल होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अब पीडीए की राह पर तो अखिलेश यादव निकल चुके हैं, इसके साथ ही वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है और ये कहते हुए नजर आते हैं कि दलित और ओबीसी के हक को मारने का काम बीजेपी ने किया है। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि हम जब से लगातार सरकार में आए हैं हमने पिछड़ों को उनका हक दिलाया है, घर दिलाए हैं, लोगों को उनके आवास मिले हैं, ऐसे में हम दलितों के हक की भी बात करते हैं। पीडीए वर्सेस लगातार जो महामुकाबला है वो देखने को मिल रहा है, और एनडीए वर्सेस INDIA या यू कहे समाजवादी पार्टी, ये पिक्चर फिलहाल क्लियर होना बाकी है। लेकिन पिछड़ों दलितों को साधने के लिए हर एक पार्टी की नजर पैनी हो चुकी है, उनको साधने की लगातार कोशिश चल रही है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी की अपनी अलग रणनीति है, बसपा की अलग रणनीति है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव के पीडीए रणनीति पर भी काम करना शुरू कर चुकी है। तो वहीं यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य लिए बीजेपी आगे पिछड़ों दलितों को साधने के लिए क्या कुछ एक्शन लेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दिसंबर में ओबीसी महाकुंभ प्रयागराज में देखने को मिलेगा, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज है जहां पर हर साल कुंभ महाकुंभ और अर्धकुंभ का भी आयोजन होता है। ऐसे में अब प्रयागराज से क्या कुछ संदेश बीजेपी देती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।